एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुल से नीचे गिरी कार, 3 लोगों की मौत। दिन में गर्मी, रात में ठंड। शहर में जगह जगह कचरे का ढेर। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। चंद्रपुर से सड़क पार जा रही कार का हैंडल लॉक होने से चिमूर उमरेड रोड पर पिंपर नेरी खापरी गाँव के बीच एक पुल से पलट कर कार नीचे गिर गयी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग जख्मी हो गए। मृतकों में 2 महिलाओं का समावेश है। यह परिवार सड़क पार में एक रिश्तेदार की 13वीं के लिए जा रहा था। दुर्घटना रविवार को दोपहर करीब 2 बजे हुई। पुल के नीचे गिरने से वाहन 2 बार पलटा। वाहन पलटने से सभी 6 लोग उसमें दब गए। रास्ते में गुजरने वाले लोगों ने तुरंत घायलों को वाहन से बाहर निकाला। उसके बाद चिमूर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। तब तक घायलों को चंद्रपुर के सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया था। हादसे में कमल चुनारकर व सावित्रीबाई मेश्राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मोतीराम मेश्राम की चंद्रपुर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। अक्षय उत्तम अंकित का उपचार शुरू है। अगली खबर, जवान तूफान के चलते बारिश की संभावना के बीच पिछले 2 दिनों से जिले में जहां एक ओर दिन में अच्छी खासी शरीर को सेकने वाली धूप पड़ रही है, वहीं शाम होते ही ठंड अपना असर दिखा रही है। रविवार को रात का न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसमें पिछले दिन के मुकाबले 0.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। मौसम विभाग द्वारा जवाहर तूफान के चलते बारिश की आशंका जताई जा रही थी, किंतु इसका जिले में कोई असर नजर नहीं आया है। यहां पिछले सप्ताह में बदली भरा वातावरण निर्माण हुआ था। न्यूनतम तापमान में गिरावट आई थी। पिछले 4-5 दिनों से न्यूनतम तापमान में एक जैसी स्थिति है। सुबह 7 बजे के बाद सूरज निकल आता है, जिसकी शरीर को सेकने वाली धूप सुहानी लग रही है। धूप का प्रमाण दोपहर होने तक तेज हो जाता है, परंतु शाम के 4 बजने के बाद बादलों के छाने के साथ शाम में ठंडी पड़ रही है। ठंड का असर कपकपी पैदा करने वाला नहीं है। रात में ठंड का प्रमाण कुछ हद तक बढ़ जाता है। अगली खबर, शहर के कोने कोने में गंदगी का ढेर एवं लबालब भरे हुए पानी की वजह से मच्छरों की पैदावार बढ़ती जा रही है। मच्छरों की वजह से नागरिक विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मलेरिया विभाग द्वारा नियमित छिड़काव किए जाने का दावा किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी होने से शहर के नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी भरा होकर खुले प्लांट पर गंदा पानी जमा है। साफ सफाई के कामों की फिर से एक बार धज्जिया उड़ने की वजह से प्रभागों में जगह जगह गंदगी का ढेर जमा हुआ है। मच्छरों की पैदावार बढ़ने से नागरिकों को विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। सिर दर्द, शरीर दर्द, खांसी, जुकाम एवं बुखार से कई लोग पीड़ित हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।